हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ हमारे कल के मिथ के आगे का है गाइस, क्योंकि कल हमें एक मिथ आया था कि अनलिमिटेड पुलिस नक पुलिस कार के ब्लास्ट होने के बाद भी आ जाती है, लेकिन हमने जब किया तो नहीं हुआ था। तो इसमें ऐसा लिखा है कि पुलिस कार को ब्लास्ट करके NPC को मारना था, ना कि NPC मारने के बाद ब्लास्ट करना था। हमने उल्टा कर दिया था। तो पहले हम लोग कल की तरह वेट करेंगे पुलिस के स्टार हटने का, और जब तक इन लोग को गोल गोल घुमाएंगे कि ये गाड़ी से उतरे नहीं अपने। चलो, तो स्टार हट चुका है, हम चलते हैं इसकी गाड़ी के सामने। भाई को कहीं जाने देना ही नहीं है, तो हॉर्न मार या कुछ भी कर इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, फिर इसकी गाड़ी में बैठेंगे, फिर आएंगे हम लोग बाहर। अब हमें पहले ब्लास्ट करना है। हमने कल पहले NPC को मार दिया था, अब हमें पहले क्या करना है, गाड़ी को ब्लास्ट कर देना है। तो RPG निकालते हैं, ये गई गाड़ी, अब हमें मारना है NPC को। तो क्या गाइस, फटी हुई पुलिस गाड़ी से भी पुलिस बाहर आ सकती है? भाई लैग तो हो गया है, और लैग होते ही मैं समझ गया कि बहुत सारी पुलिस इस फटी हुई गाड़ी से बाहर आ गई भाई, जो कि यार पॉसिबल तो होना ही नहीं चाहता, लेकिन हो गया है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप प्लेजर और हेलीकॉप्टर में दो बार बैठो फिर देखना मैजिक। तो पहले बुलाते हैं हेलीकॉप्टर को 8000 की चीट कोड से, फिर बुलाते हैं प्लेजर को 0000 की चीट कोड से। अब इसमें हम एक बार बैठे ना तो मैजिक होता है, लेकिन आज हम ट्राई करने जा रहे हैं दो बारी का। तो पहली बार में बैठे हम लोग, और हमारा बंदा आगे बैठ गया, वो देखो बिल्कुल ही आगे गाड़ी के उतरे। अब हमें फिर से बैठना है, दोनों का ऑप्शन अभी भी आ रहा है। तो ये हो गया दूसरी बार, और मैजिक ये हुआ है कि मुझे तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, जो एक बार में होता है वही दूसरी बार में भी हुआ, कुछ अलग हुआ नहीं। या तो एक और बार करके देखते, क्या पता ज़्यादा बार करना हो। फिर से करते, फिर बैठा, और इस बार ओके। इस बार भाई मेरा बंदा जो है वो हवा में उड़ चुका है। पहले तो गाड़ी में बैठा था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हवा में ही टेक ऑफ कर लिया, और मेरी इन्फिनाइट हेल्थ भी लगी नहीं थी, और ये इसकी टांग जो है वो लंबी हो गई गाइस, ऐसा लगा किसी ने खींच दिया इसको भाई ऊपर से। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि स्प्लेंडर ट्रेन से रेस में जीत जाती है। तो स्प्लेंडर को खड़ी करते हैं, ट्रेन को लाते हैं बगल में, जैसी स्टार्ट लाइन पे आ जाएगी मैं कर दूंगा चालू। चलो ट्रेन को थोड़ा अर्ली स्टार्ट भी मिल गया, लेकिन स्टार्टिंग में उसकी स्पीड जो है वो कम रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लंबी लीड ले ली मैंने। तो इधर मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन के आने का, क्योंकि ट्रेन अब अपनी टॉप स्पीड में आ चुकी होगी और अब प्रॉपर रेस हो जाएगी। भाई हेलमेट जल्दी पहन ले, चलो ट्रेन आगे निकल गई, लेकिन मैंने गाड़ी को कर दिया है स्टार्ट, अब देखते क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कवर कर लिया है इसका स्पीड गाइस, और अब मैं ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो इससे तो अलग ही समझ में आ रहा है कि जो स्प्लेंडर है वो भाई ट्रेन से तेज़ चलती है, जो कि होना नहीं चाहिए था पर हो रहा है, क्योंकि यार ट्रेन की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आर, लेकिन भाई स्प्लेंडर की स्पीड यार इससे तेज़ कैसे हो सकती है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। वैसे हो भी सकती है, बट बहुत ज़्यादा है। मैं तो अभी बहुत धीरे चला रहा हूँ गाड़ी, मतलब मोड़ मोड़ के चला रहा हूँ, वरना मैं बहुत ही आगे निकल सकता हूँ इससे। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आप बीच में बॉटल को भी सरका सकते हो गन से। तो पिछली बार हमने ट्राई किया था गाइस, बीच के ब्रिज पे जो रेड कलर का ट्यूब है उसको हम सरका सकते हैं आराम से, है ना, गन से। लेकिन चलो अब बॉटल पे भी ट्राई करते हैं, क्या बॉटल सरकेगी या गोली से फूटी जाएगी, देख लेते हैं। ठीक है, ये पड़ी है हमारी बॉटल, इसको मारते हैं अब AKM से। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको तो कोई असर नहीं हो रहा है। ये लो, कैंस पे भी मार के दिखा दिया मैंने, इस पे भी कुछ नहीं हो रहा है गाइस, ये वाली बॉटल पे भी नहीं हो रहा है। आगे एक और बॉटल रखी है, वैसे दो रखी है, चलो इस पे भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखो इस पे भी नहीं हुआ कुछ, ठीक है, सब पे ही ट्राई कर लिया है वैसे। ये देखो कुर्सी, ये डब्बा, ये छतरी, ये बगल में बॉटल दोनों, इस पे भी ट्राई कर लिया क्योंकि ये रह गई थी। तो कुछ भी नहीं हिल रहा गाइस, देख लिया आपने, बस ये जो ट्यूब है सिर्फ ये ही हिलती है, वो देखो पानी में गई। तो ये मिथ बस्टर्ड है। हमारा अगला मिथ है कि ATV में स्पीडोमीटर नहीं होता है। तो ATV की चीट कोड है 2222, और मेरा बंदा कुछ अलग से ही बैठ गया था यार बैठने से पहले। तो अब करते हैं फर्स्ट पर्सन, और इसमें यार तो सिर्फ हैंडल ही है, स्पीडोमीटर छोड़ो इसमें तो डिस्प्ले तक नहीं है, और ये बंदे भी अलग फेंकता है। ओके, वैसे हम लोग नॉर्मल कार से टकराया ना तो बंदे बहुत दूर गिरते हैं, ये तो भाई मेरे ऊपर ही गिर जा रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है वो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्प्ले ही नहीं है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि ट्रक विद ट्रेलर और फायर ब्रिगेड वाले ट्रक में एक साथ बैठो फिर देखो मैजिक। वैसे ये दो सबसे बड़े ट्रक हैं गाइस, तो इस पे अभी तक हमने ट्राई किया नहीं है। 01212 से आता है ट्रक विद ट्रेलर, और 606 से आता है फायर ट्रक। भाई दोनों बड़े ट्रक क्या एक साथ चल पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। वैसे इन दोनों का जो एंट्रेंस है भाई ये भी ना इतना बड़ा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से एंटर होगा, अभी शायद से ग्लिच हुआ नहीं है। इन दोनों के गेट यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका तो कांच का है तो समझ ही नहीं आता। अब करके देखते हैं, ओके लग गया, दोनों गेट खुल चुके हैं, मतलब ग्लिच लग चुका है।
फर्स्ट पर्सन में तो फायर ट्रक ही आ रहा है अभी भी, लेकिन गाइस ट्रक विद ट्रेलर भी चलना चालू हो चुकी है। तो भाई दो इतने बड़े ट्रक मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वो भी अकेले गाइस, एक रिमोट कंट्रोल और एक बैठ के कंट्रोल, तो बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग आ रही है गाइस, क्योंकि छोटी बाइक कंट्रोल करने में उतना मज़ा नहीं आता है भाई। ये बहुत बड़े ट्रक है, मेरी ट्रक अटक गई, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस ट्रक से भाई इसको खिसका सकता हूँ, एक धक्का मारूंगा अभी ये साइड हो जाएगी, यही तो फायदा है दोनों ट्रक को चलाने का। ये लो हो गई, चलो गाइस तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम एक स्टार लगा के टैंक और बुलेट में एक साथ बैठ के फर्स्ट पर्सन करें 5 सेकंड में तो देखना मैजिक। तो पहले बुलाना है हमें टैंक को, 4040 की चीट कोड है इसकी, और फिर बुलाना है बुलेट को, 4x9 है इसकी चीट कोड, ये आगे दोनों। अब करते हैं वन स्टार के लिए बगल वाले बंदे को ही मार दो, ये हो गया 1 स्टार हमारा। अब चलते हैं बैठते हैं दोनों के बीच में, वैसे पुलिस आने वाली होगी, ये आगे ऑप्शन, ये मैं बैठ गया इन दोनों पे। अब करना है हमें फर्स्ट पर्सन और 5 सेकंड में क्या होगा भाई, ये मुझे लग रहा है एंगल चेंज हो चुका है इधर, 5 सेकंड की ज़रूरत है नहीं, यहीं से मुझे दिख रहा है। तो गाइस हमारा जो एंगल है वो आ चुका है टैंक पे, लेकिन मेरा बंदा जो है वो बैठा है बाइक पे, तो मुझे अपना बंदा भी दिख रहा है यहाँ से। तो ये हो चुका है पूरा एक CCTV ग्लिच, जहाँ से मैं अपने बंदे को भाई देख पा रहा हूँ, वो देखो पुलिस वाला मेरे बंदे के पीछे पड़ चुका है, जबकि मैं तो यहाँ पे हूँ, वहाँ पे भी हूँ, वैसे उधर मारेगा तो गोली मुझे ही लगेगी। मेरे बंदे को मैं अपने सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कैमरे के, ये आ गया बंदा। तो यहाँ से आप इसकी शक्ल देख सकते हो गाइस, अलग ही दिख रही है बिल्कुल अच्छे से भाई, इसकी हाइट यहाँ से कम नहीं लग रही बहुत, है ना, वैसे लंबा लगता है, यहाँ से कम लग रही है। और इधर से गन वन ओके, गन चलाने का एनिमेशन भी है, वैसे गन चला वहाँ रहा है, लेकिन गोली देखो टैंक पर लग रही है, लेकिन अच्छा एनिमेशन है ना इसका, सामने से पहली बार देख रहे हैं हम लोग। और एक काम करते हैं, फ़ोन वोन निकाल के देखते हैं, देखो फ़ोन भी निकाल सकता है, बाइक वाइक भी स्पॉन कर सकता है यार, मतलब हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं गाइस इस पर, बस कैमरे में यहाँ से दिखेगा। और एक दिक्कत है कि मैं बाइक से उतर गया ना बुलेट से, तो अब मैं इस टैंक को हटा नहीं सकता, तो वो कैमरा वहाँ फिक्स हो चुका है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि 8888 वाली बाइक को ग्रीन कलर करें तो फिर वो आर्मी कलर का हो जाएगा। तो 8888 से आती है इस ड्यूक 1290, इसको करते हैं हम लोग ग्रीन कलर में, ठीक है, ऑरेंज कलर की आती है, ग्रीन कलर करी और इसका सच में आर्मी कलर हो गया यार, मतलब ये ग्रीन नहीं है जो ग्रीन वहाँ पे दिया था, नीचे के जो रॉड है वो है ग्रीन कलर के, लेकिन जो बाइक है ये एक आर्मी कलर टाइप में हो चुकी है, तो ये बन गई हमारी गाइस आर्मी बाइक। चलो भाई लेकिन अच्छी भी लग रही है, पता है बाकी बाइक से ना बहुत अच्छा लग रहा है इसका कलर, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि स्लो मोशन लगाकर जल्दी से फ़ोन में 3 बार स्काईफॉल का चीट कोड डायल करें तो देखो मैजिक। तो गाइस मैंने लगा दिया इन्फिनाइट हेल्थ, अब हम लोग स्लो मोशन में 3 बार स्काईफॉल कैसे लगाएंगे भाई, देखते हैं क्या पता हो जाए, एक बार लग गया ठीक है, 2 बार लग गया, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, 3 बार लग गया, लगा ही दिया मैंने यार कैसे भी। ओके तो यहाँ पे 3 स्काईफॉल लग चुके हैं, लेकिन फ़र्क ओके भाई यहाँ पे कितनी ऊंची स्काईफॉल मारी है मैंने गाइस, नॉर्मल स्काईफॉल से ये 3 गुना ज़्यादा है, देखो वॉइड से आ रहा हूँ मैं, सीधा स्पेस से आ रहा हूँ गाइस गिरता हुआ, इतना ऊपर कि हमें बिल्डिंग तक नहीं दिख रही थी। तो गाइस ऐसा है, जितनी बार आप स्काईफॉल लगा दो आप उतनी ऊपर से गिरोगे यार। तो हम लोग ट्राई करते हैं हम लोग कितनी बार लगा सकते हैं गाइस, ठीक है, फुल तेजी में, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, 2 बार हो गया, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार, ये हो गया, अरे यार 5 और बस लग ही गया था, लेकिन देखते हैं हाइट कितनी आई है, हाइट अभी भी उतनी आई है और थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि 3 स्काईफॉल नहीं है 4 स्काईफॉल है, तो बिल्डिंग अभी तक दिख नहीं रही है, शायद थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा, इस काफ़ी ऊपर है वैसे ये। ओके बिल्डिंग आ गई है, तो ये वाला पिछली बार से भी ऊपर था गाइस, और ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि 1 स्टार करके किसी भी पुलिस वाले को मारते हैं तो 2 स्टार हो जाएगा। तो ये पहले तो यार मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद से नहीं होता था, पहले NPC को मारो तो ही स्टार बढ़ता था, पुलिस वाले का मुझे याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन ट्राई करके देख लेते। तो गाइस यहाँ पे 1 स्टार था मेरे पे, मैंने पुलिस वाले को मारा और हमारा हो चुका है 2 स्टार। तो भाई ये सच में वर्क करता है, मुझे सच में लगता नहीं था ऐसा होता है। और ये पुलिस वाला कैसे टक गया यार, ये देखो पहले तो भाई ये झूला झूल रहा है क्या भाई, इसको बाहर निकालो पहले तो यार, ये कुछ अलग ही पोज में लटक गया है, सीट के अंदर ही गिर चुका है, इसको हटाओ यहाँ से। ओ ये क्या है गाइस, यार ये तो चुड़ैल जैसा लटक गया हवा में, बिल्कुल पूरा हवा में लटका हुआ था गाइस बिना किसी सपोर्ट के, भाई मज़ा ही आ गया था देख के यार, डिस्पॉन नहीं होता ना तो फिर तो मज़े थे। चलो कोई नहीं, लेकिन नियमित कन्फर्म्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर दो गाइस नीचे अपने अपने मिथ्स, ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।